में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूँ आपके साथ उज्ज्वला। फिल्म फुकरे की भोली पंजाबन तो आप सभी को याद होगी। खैर वो एक फिल्म थी, लेकिन असल जिंदगी में भी एक सोनू पंजाबन इस वक्त जेल में मौजूद है। जी हाँ, इस चेहरे का असली नाम है सोनू पंजाबन, जो लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में उतारती थी, क्लाइंट्स तलाश करती थी और जिसने इस धंधे की एक कंपनी तक बनाती थी, यहाँ तक कि लोगों को सैलरी पर भी रखा हुआ था। फिलहाल एक बार फिर से चर्चाओं में है सोनू पंजाबन। दरअसल सोनू पंजाबन ने तिहाड़ जेल में बंद जहर पी लिया है। उसे गुमनामी पसंद नहीं, यही उसकी फितरत है या आदत, इसका पूरा हिसाब होना बाकी है। उसकी करतूतें ही उसकी पहचान है। वो जब भी कुछ करती है सुर्खियों में आ जाती है। हम बात कर रहे हैं जुर्म की दुनिया में नाम कमा चुकी सोनू पंजाबन की। इस वक्त सोनू पंजाबन जेल में बंद है। पैसे और पावर की चाह ने सोनू पंजाबन को जुर्म की दुनिया का जाना माना चेहरा बना दिया। नाबालिग लड़कियों को जिस्म फिरोशी के धंधे में उतारना, क्लाइंट तलाश करना और इन सब के लिए सोनू ने लोगों को नौकरी पर भी रखा और इसे कंपनी बना दिया। सोनू पंजाबन एक बार फिर से चर्चाओं में है। दरअसल जेल में बंद सोनू ने जहर पी लिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मकोका में बंद होने के दौरान भी उसने जेल में ऐसा ही किया था, फिर फंदा लगाने की कोशिश की थी, तब उसे बचा लिया गया था। सोनू पंजाबन को पहली बार किसी केस में दोषी पाया गया है। दिल्ली के द्वारका कोर्ट में सोनू और उसके साथी संदीप को एक 12 साल की बच्ची के अपहरण, रेप और जबरन जिस्म फरोशी के धंधे में उतारने का दोषी माना है। सोनू पंजाबन की कहानी काफी पुरानी है। उसे पैसे और पावर की हवस रही। इसे पूरा करने के लिए उसने दुनिया के सबसे पुराने धंधे को चुना, लेकिन उसका क्लेवर बदल कर उसे कंपनी में तब्दील कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि घर सुरक्षित रहे इसलिए कोठों का आबाद होना जरूरी है, लेकिन बदलते वक्त के साथ कोठों की अहमियत कम हो गई। उदारीकरण के बाद का दौर ऐसा रहा जिसमें कम समय में सब कुछ हासिल करने की तमन्ना युवाओं में हिलोरे मारने लगी। कुछ ईमानदारी से अपने मुकाम हासिल करने में लगे तो कुछ लोगों ने शॉर्टकट में विश्वास रखा। सोनू पंजाबन जैसे लोगों ने इस हालात का पूरा फायदा उठाया। 10वीं पास सोनू पंजाबन ने एक सेक्स रैकेट तैयार किया। इसमें लोगों के काम बटे हुए थे। लड़कियों को धंधे में उतारना, उन्हें हाई प्रोफाइल लोगों तक पहुंचाना, क्लाइंट तलाशना, उन्हें सप्लाई करना अलग अलग लोगों के जिम्मे था। इसमें इन्वेस्टमेंट था तो कमाई भी थी। डिमांड और सप्लाई के खेल में सोनू पंजाबन ने बेशुमार दौलत बटोरी। कहा जाता है कि दिल्ली हरियाणा में उसने कई जगहों पर संपत्ति खरीदी। खैर इस वक्त सोनू तिहाड़ जेल में है और उसके गुनाहों का हिसाब होना बाकी है। जुर्म की ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।